चैनल मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल. थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो. और आज का ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है हमारे हॉलीडे ट्रिप से. मैं किसी भी तरह की कि जो कहते हैं हम ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ, तो हम जो कुछ भी करने वाले बस मैं आपको चीज़ें दिखा सकती हूँ, दैट्स इट. सो आज का ये जो व्लॉग है ये शुरू हो रहा है कहाँ से? पता नहीं कहाँ है अपन. स्पेन. सो हम आए हुए हैं स्पेन और हम बस अभी पहुँचे और हमने बैग वैग कलेक्ट कर लिया है. और मैंने एम्स्टर्डम से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. बट ये व्लॉग ऐसे ही होने वाला है, जब मन करेगा तभी व्लॉग होगा क्योंकि हम हैं हॉलीडे पे. सो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम आ गए एयरपोर्ट से बाहर तो नहीं, एयरपोर्ट के नीचे. और यहाँ एयरपोर्ट के ठीक नीचे बार्सिलोना में आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, जहाँ से बार्सिलोना के अलग अलग साइड जाने के लिए आपको बसेस मिलेंगी. ये स्पेशल बसेस होती हैं जो एयरपोर्ट से बार्सिलोना के अलग अलग हिस्सों में चलती हैं. सो यहाँ मशीन थी तो आप अपना टिकट खुद ले सकते हो. और हम चूँकि 3 दिन रुकने वाले थे तो हमने एक टूरिस्ट टिकट ले लिया, जिसे लेकर हम 3 दिन कहीं भी आ जा सकते हैं. सो ये जो है ये हमारी बस है जो हमें एयरपोर्ट से ले जा रही है होटल तक. और हमने ना बस में बैठे बैठे ही आधा बार्सिलोना देख लिया था, क्योंकि ये जो बसेस होती हैं ये ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे रुकते रुकते जाती है हर जगह. तो एक फ़ायदा ये हुआ कि आधी चीज़ें हमें ऐसे ही दिख गई कि कहाँ पे क्या है और सब कुछ. और मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि हम नेदरलैंड से ठंड में से गए थे, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा गर्मी फील तो हो रही थी क्योंकि 24-25 डिग्री था, लेकिन उसे ना एकदम प्लीजेंट वेदर कहना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था. बारिश नहीं थी जबकि जब हम जाने वाले थे तो हमें लगा था बारिश होगी, बट मौसम बहुत ही प्यारा था. और बिल्डिंग्स अलग टाइप की कुछ लग रही थी, लग रहा था हम यूरोपियन कंट्री में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी लग रहा था कि किसी अलग थोड़ी सी जगह आ गए. और अब हम आ गए हैं हमारे होटल में और ये इबिस होटल है और हम चेक इन के लिए लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. हे एवरीवन, सो हम आ गए थे होटल में और हमने चेक इन कर लिया है और अभी दोपहर हो रही है. तो मतलब कहीं एकदम किसी टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि फिर वो सारा कुछ जो होता है 6 बजे तक बंद हो जाता है. सो हम फिलहाल में जा रहे हैं बीच. तो बीच का ऐसा है कि यहाँ बार्सिलोना में 2-3 बीच है, तो हम उनमें से एक बीच जा रहे हैं. और वहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, इतना पता है. बाकी वहाँ जाकर पता चलता है कि कैसा टाइप का बीच है और सब कुछ. सो बस हम लोग निकल गए और हमने एकदम हमारे जो है स्विम सूट और सब कुछ रख लिया है, ताकि थोड़ा बढ़िया पानी में ही मज़े करते हैं. यहाँ थोड़ी सी ना गर्मी है, एक मिनट में क्रॉस कर लूँ पहले. ऐसा है कि यहाँ ना गर्मी बहुत है, मतलब बहुत से मतलब. अब हमको तो नेदरलैंड की आदत है, 25-26 में ही ऐसा थोड़ा सा गर्म टाइप का लग रहा है. बाकी मैंने रूम नहीं दिखाया, हम लोग इबिस होटल में रुके हैं जो कि यहीं सेंट्रो में है बार्सिलोना में. लेकिन वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि रूम इज़ वेरी पर्सनल थिंग और ऐसे कुछ दिखाने लायक है नहीं, बेसिक रूम जो होता है वही है. तो बाहर की चीज़ें देखें तो ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि जब आप घूमने जाते हो तो आपको बाहर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बाहर फोकस करना चाहिए. क्योंकि होटल का क्या है, मतलब होटल में रहने तो आप जाते नहीं हो, मतलब मैं तो नहीं जाती. मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो बाहर ही जाती हूँ. और मैंने ट्राईपॉड लगा लिया तो मुझसे कोई शिकायत नहीं करेगा कि हाथ हिल रहा है और मोबाइल हिल. ओके, सो ठीक है, चलते हैं. और बस यही है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं हम भी. तो आप ही हमारे साथ एक्सप्लोर ही करो, गलियाँ दिखाती हूँ. और ये और ऐसा ना पुराना टाइप का ही है सब कुछ यहाँ, एकदम फ्रांस और बेल्जियम और वाला मिक्सअप लगा मुझे तो, क्योंकि मैंने वही दो कंट्रीज देखी है तो मुझे उनका मिक्सअप लग रहा है. बट लेट्स सी, सो चलते हैं. यहाँ ना
ना एक्चुअली यहाँ की बार्सिलोना की जो टीम है वो बहुत फेमस है, फुटबॉल टीम। तो यहाँ सब दूर आपको इस तरह के झंडे हर घर के बाहर दिख जाएंगे। और हम आ गए हैं बीच के एकदम पास, एकदम 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 पास। तो चलते हैं बीच पर। होए होए, एकदम माहौल है भाई, माहौल एकदम। एवरीवन, सो हम आ गए बीच पे और आशीष और अधीशी दोनों पानी में गए। अधीशी भी थोड़ा सा डर रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छा एकदम बहुत ही अच्छा वाला माहौल है। सो यहाँ जो अभी एकदम ना, एक्चुअली वैसे भी मैंने जैसे कहा यहाँ बहुत गर्मी है, तो यहाँ लोग एकदम शांति से बैठे हुए हैं। और मुझे अभी तक जब से मैं आई हूँ यही जगह एक थोड़ी सी शांति वाली लग रही है, तो आई थिंक सही है, मज़ा आ रहा है। तो अब मैं उधर का दिखाती हूँ आपको और पूरा व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे देखे वैसे मैं भी मेरा स्विम सूट और सब कुछ लाई हूँ, बट वही है कि बारी बारी पानी में जाना पड़ेगा और रेत देख के मेरा मन नहीं कर रहा पानी में जाने का फिलहाल में, बट लेट्स सी। आशीष अधीश्री को पटा रहे हैं कि पानी में चली जा, पता नहीं कितनी देर में मानेगी। और इधर का है ये कुछ ऐसा सीन, सब लोग इधर फुटबॉल, बच्चे भी खेल रहे हैं उधर दूर, बड़े भी खेल रहे हैं। बाय बाय। और इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं और मजे चल रहे हैं। जो चादर है ना, ये मैंने यहीं से खरीदी है एक इंडियन से। यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं ऐसी चादरें बेच रहे हैं और हम कुछ भी बिछा के लाने का भूल गए थे, हम ऐसा कुछ भी नहीं लाए थे जो हमें बिछा सके, तो हमें ये मिल गया। और अब मुझे खुशी हो रही है कि एक चादर हो गई ऐसे हाथी वाली और इंडियन प्रिंट वाली। हेलो। सो जो बीच वाला जो टाइम है वो पूरा हुआ और अभी भी ना इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मन ही नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन चूंकि यूरोप में सभी दूर ना डिनर मिलता नहीं है बाद में, और हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती कि हमें वेज ढूंढना होता है, तो और ऐसे अधीशी के साथ हम किसी भी तरह के क्या डिस किया कहीं जा नहीं सकते, तो इसलिए हम अब बीच से निकल रहे हैं और करीब करीब 9 बज गई है, तो अब हम कहीं खाना पीना ढूंढते हैं हमारा और फिर देखते हैं अभी चलते हैं कहाँ, क्या खाते हैं, क्या मिलता है वेज ऑप्शन में। और ये रही अधीशी, और अधीशी जो है, अधीशी को मज़ा आया ना? हाँ। अधीशी पानी में से आने को ही नहीं तैयार थी, और ये अधीशी के पास में, अधीशी को हमने गले में वो टांग दिया है जो आई थिंक आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हमने शॉपिंग की थी इसकी, क्योंकि मैं हर बार अधीशी के जैकेट्स में रख देती हूँ या जैकेट के पॉकेट में, आई मीन हमारा नंबर एड्रेस और सब कुछ, बट अभी यहाँ क्योंकि गर्मी थी हमें पता ही था, तो इसे हमने अधीशी को ऐसे गले में टांग दिया। लॉस्ट नहीं होता कि अधीश, और मौसम इतना अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम जो कहते हैं ना वो वाला मौसम है जो चाहिए होता है, मतलब 3-4 दिन अभी नैदरलैंड की ठंड से राहत मिलेगी टाइप से, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम इंडिया के समर वाले दिन याद आ रहे हैं। सबवे ट्राई करने के बाद
खाने के बाद ट्राई किया, खाने के बाद, क्योंकि वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। हमने डिसाइड किया क्यों ना कुछ स्पेन का कुछ स्पेशल ट्राई किया जाए। कहा जाता है वर्ल्ड में जो टॉप की कंट्रीज हैं जो वेगन हो गई हैं, उनमें उन सारी वीगन कंट्रीज में नाम आता है स्पेन का। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सो हमने सोचा क्यों ना कुछ ट्राई करें, देखें, अगर कुछ मिल जाता है तो मज़ा आ जाएगा। और मतलब नई चीज़ ट्राई करने को मिल जाएगी जो कि वेज होगी, वीगन होगी। तो ठीक है, चलते हैं। और आज के इस दिन को आई होप कि सच्चे स्पेनिश खाने से ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं वो रेस्टोरेंट और देखते हैं कि वहाँ पे क्या। ओके, सो आशीष ने एक दुकान ढूंढी है जिसका नाम है रेस्टोरेंट वेजिटालिया। सो यहाँ सब कुछ ना वेज है, लेकिन स्पेन का जो फूड है वो वेज में है। तो मतलब सारा स्पेनिश फूड है लेकिन वेज में। तो हमने दो आइटम्स मंगाए, जो अभी आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ ना बहुत सारे ना रेस्टोरेंट आसपास बने हुए हैं, तो एकदम ना ये पूरी जो जगह है ना इसमें एकदम वाइब है। सी उधर भी पूरी दुकानें हैं। तो हमारे इंडिया में एक वो जो फील नहीं होती चौक वाली, कि ऐसा एक चौक है, आसपास पूरा मोहल्ला है और वहाँ पर ऐसे अलग अलग दुकानें लगी हुई हैं, तो बस वही चल रही है। और यहाँ कोई बहुत थक गया है, डिनर हो गया है, तो अब इन्हें नींद आ रही है ना, नींद आ रही है ना। तो ठीक है, देखते हैं क्या आता है। हमने दो फूड बुलवाए और दोनों जो है वो एकदम गजब ही दिख रहे हैं। इसका नाम है तपस। ओके, सो ये आलू है और कुछ कुछ है, और इसका नाम है वेगन पायला। तो ये एक्चुअली मेन जो है वो नॉनवेज में बनता है पायला, बट ये वेगन पायला है। तो इट्स ये राइस है, और राइस में भी आई थिंक सारी सब्जियां मिली हुई हैं उसमें, है ना, और राइस है। ओके, खाते और ये ऑरेंज है साथ में। सो एवरीवन, आज का ये पहला दिन ख़त्म होता है, और आई डोंट नो मैं कितना शूट कर पाई हूँ कितना नहीं। बस कैमरा चालू किया और जो थोड़ा बहुत बात किया, और उसके अलावा रिकॉर्ड किया, क्योंकि आई थिंक हॉलीडेज पे यही ज़रूरी है और यही होना चाहिए। सो मैं आज का दिन बहुत अच्छा गया और अब बहुत थक गए, और अब हम घर जा रहे हैं। हमारा क्योंकि जो बच्चा है वो भी सो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं घर। रात भी काफ़ी हो गई है, बट ये पूरी जो लाइन थी और ये जितना पूरा एरिया था काफ़ी हैपनिंग था, और मतलब एकदम अलग ही वाइब थी, जो एक होती है ना नाइट लाइफ वाली वाइब, वो पूरी थी यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आसपास बहुत सारे डिस्क और दूसरी चीज़ें भी हैं, खेल तमाशे, बट आई थिंक अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो फिर आपके काम के नहीं है। बट है बड़ी एकदम अलग टाइप की जगह, आइसक्रीम शॉप्स और तरह तरह की चीज़ें इस तरह की। तो ठीक है, चलते हैं अब आज के दिन को ही ख़त्म करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे, आई थिंक कल ही मिलेंगे, यानी इसके बाद वाले व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए एंड इन्जॉय कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।